इन दोनों को छोड़ के यार उनके लिए बहुत सारी तालियां, जोरदार तालियां आप लोग एंजॉय करेंगे, बहुत सारी तालियां। शकील सिद्दीकी के लिए भी ढेर सारी तालियां, हमारा लेजेंड है, मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग संगी भी हैं, एक दूसरे के मतलब भाइयों की तरह हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, परसों ही झगड़ा हुआ मेरा। सारी बातें घर की बोलने जरूरी, क्या तुम्हारे घर की बोल? वैसे कैसे हो लाला? कैसे हो लाला? इतना बड़ा मुंह खोल के दे दिया लाला, लाला का मतलब पता? हाँ मुझे क्या, यहाँ बैठे सब लोगों को पता है, भाई को कहते हैं लाला। शाबाश है, तेरे जैसी बहन हूँ मेरी, मेरे को तो इन्होंने जाने दी। इन्होंने यही कहना लाला भाई, टेन मंथ्स मोर। क्या मतलब मंथ्स मोर? अरे खवातीन औरत का मतलब पता है? औरत हो तुम? लड़की हूँ। औरत और लड़की में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? अभी तुम लड़की हो ना, हाँ, शादी होगी, हाँ, बच्चे होंगे, हाँ, औरत फिर बनोगी ना। अरे चाचा, औरत में हुर्क होती है चार, एन बाव रेते। यहाँ जितनी मेरी प्यारी बहने बैठी है, सबसे पहले तो ताली हम जाके बताए कितनी है। बिल्कुल मैं मुकाबला करूंगी। जितने मर्द है ना, आपको कसम है, बजाओ ताली। अरे चाचा आजा कर, देखना तेरे जैसी लड़कियां दुबई में शाम 6 बजे घूम रही आओ। अरे चाचा, औरत में हुर्क होते हैं चार, एन बाव रेते। अच्छा, औरत के एन का मतलब होता है यहाँ जितनी बैठनी है तालियां बजाएंगी, इबादत गुजार। वाह वाह, सिर्फ वफादार। वाह, रे से रहमदिल, ते से ताबेदार। ये औरतें सन 1947 में मर गई। अब जो औरत है आजकल की, यहाँ जो बेटी है सब मेरी माँ बहन है, सब माँ बहन है, आपका एहतराम करो, सब माँ बहन है। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, उन औरतों के जो यहाँ नहीं है और जहाँ होना चाहिए वहाँ पे भी नहीं, अपने घरों में। क्या बोला तुमने? ऐसे इबादत। अच्छा, अब सुनो, जितने दोस्त मेरे अगर अच्छी बात लगे तो तालियां जरूर बजाना। इंशाअल्लाह। वाव से वाहिया, रे से रियाकार और ते से तेजाब मिलाओ तो बनती है आज की औरत। कोई नाम नहीं है, वहां होना चाहिए, वहां पे भी नहीं। अरे जाजा, मर्द की डेफिनेशन भी मुझसे सुनो। मर्द के हुर्क होते हैं तीन, मीम रे तार, मर्द। और मर्द के मीम का मतलब बकार। ये औरत ने ताली नहीं बजाई। लो 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 लो, तुमने फोन ही मारी है, बीवी ने मियां को बजाया। अरे जाजा, मीम से मकार, रे से रयाकार और तार से होता है दगाबाज, धोखेबाज। ये मर्द तुमको मिले मत की डेफिनेशन सुनिए, मेरे से सुनो। सुना मीन से मोहब्बत करने वाला, और टांगे वाली है, छोले फिल्म को छोड़ के दिखाने कोई और टांगे वाली, और टांगे वाली हो थोड़ा आगे नहीं जाएगा, पीछे ही जाएगा। अरे चाचा, ईद की चांद रात को भी रौनक हम औरतों के ही दम से है। अरे ये मर्द है तो रौनक है, ये नाम तो क्या खुसरो को दिखाओ, मर्द है अल्लाह का शुक्र है। ये ईद की चांद रात को भी बच्चा गोद में लेके खड़ा होता, बीन को देख रहा होता, चूड़ी पाले से चूड़ी पहन रही होती, हर बेचारा देख रहा था, ये भी मेरी मजे बोले पिया पिया पिया। और जैसे ही कांच लग गया, टूट गई चूड़ी, खून निकला, वो दुकानदार मजे ले रहा था, खून निकला, मत कह रहा था पीले पीले, ये भी मेरा ही खून है जो इसने पिया। और फिर तो आखिर में बेचारा चांद रात को बिल्कुल सुबह का टाइम अपना नाड़ा और बनियान खरीद,
उसके घर जाकर दिस इज मर्द, दिस इज मर्द, यकीन नहीं आता चपा रहा था उसे कुछ। अरे तो फिर हमारी खूबसूरती पर मरते क्यों हो? कौन मरता है? तुम मर्द और कौन? कौन सी खूबसूरती? ऊपर से चिट्टा अंदर से गिर गया। अभी बारिश आता अंदर से फिर बतौर निकलेगी। सब मेकअप का कमाल है, एक एक छिलके शीशे के सामने बैठ के ये ना करो तुम्हारी बड़े बड़े मूछे निकल। अरे जाजा, हम औरतें मेकअप करती हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? हम औरतें मेकअप करती हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अपने आप को देखा है, औरतें भी थवर जैसा नजर आता है। अरे ये बात बताओ, तुम औरतें आता घूमते हो क्या देखती की? बताओ ना क्यों इतनी? शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से।
अच्छा सर वो लौड़ियों के साथ तो बड़ी तेजी से बातें कर रहे हैं। हमारी पार्टी की बारी आई तो उर्दू ही भूल गया। सात छह साल है, सात साल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेहमान है ना भाई, आपकी नजर किसी शहीद हो जाए, किसी की इज्जत करनी पड़े, ये गुंगा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा कर, मेहमान को तूने देख लिया ना, तेरा उमरा पक्का अपने साथ। मेहमान वो चीज है, मेहमान वो चीज है, और तू तो आखिरी थी कोच है जो जो बसाने में। और मैं खुदा की कसम उस दिन भी बोल रहा था कि उमर शरीफ को जो स्टैब्लिश कराया है ना, वो मेहमानों ने कराया। हम सबको हमारे ड्रामे मेहमान पसंद करते थे, हमारे उर्दू स्पीक पंजाबी भाई सारी पूरी जितने पाकिस्तान में लोग हैं, खासकर जो पठान हमें आ गया, सलीम अफरीदी का ड्रामा हो, मेरा हो, शकील का हो, हमारे ड्रामा में आप सब आकर कामयाब करते हैं। अल्लाह ताला से तो हमारी सेहत के लिए दुआ करा करें। अल्लाह ताला अब इस दुनिया में जो है हंसाने वाले तेजी से जा रहे हैं, रुलाने वाले अब सुनाए वापिस आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको नेक तौफीक दे, वो करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। रुलाने वाले रुलाए चले जा रहे हैं, वही कह रहा हूँ, कहने का मकसद यही है सर। अल्लाह ताला परवरदिगार हमारा मुल्क है तो हम है, ये याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और आप सबके लिए मेरी तरफ से थैंक यू। थैंक यू। एक और बोल रहे हब ऑफ प्रॉपर्टी के साथ है, हब हब प्रॉपर्टी के साथ, हब ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के साथ है। आपको बहुत अल्लाह ताला आपके प्रोजेक्ट को कामयाब करे, और इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट में अल्लाह ने चाहा तो हम भी फ्लैट है, अगर तू उसमें पूरा आ जाए। आपको मुबारक हो, जितने मेरे मौजूद मेहमान है सारे यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी भाई बैठे हुए हैं, और मेरा प्यारा बच्चा बेटा खड़ा हो जाए एक मिनट के लिए। पाकिस्तान का पहला यूट्यूबर जिसको डायमंड की शील्ड मिली, तालियां होनी चाहिए मेरे बच्चे को। नुमान सलमान, नुमान सलमान, मैं तो नुमान कहता हूँ, आगे कर मिले यार। नुमान इधर आओ स्टेज पे, ये मेरा प्यारा बेटा है, भाई है, से मुझे मिला है तो इसने अपने फेस दिखाए, जो मेरे आइटम के दौरान मेरा एक एक जुमला कहता है, एक एक जुमला लेकर आपका हम मैंने एक क्लिप बनाया और मिलियंस में वायरल हुए हैं, तो तुम्हें तो याद हो गया। हब ऑफ प्रॉपर्टी के सैयद साद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना तुम्हारा कौमी फ़र्ज है, क्योंकि उन्होंने ये शो दी। हब ऑफ प्रॉपर्टी के सैयद शाह हब ऑफ प्रॉपर्टी के सैयद साद शाह साहब का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इनके आगे प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा, विजिट करूंगा, और अपने लिए कॉल तीन मरले का प्लॉट लेंगे। अरे क्यों इतना खर्चा कर रहा है, किसी भी तरफ की कहीं पे बैठ जाए, आप कहीं को छोड़ लाला के कान पे बैठ जाए। सलीम तेरे कान इतने बड़े हैं, अल्लाह की कसम तू गाड़ी बेचते है, दोनों कानों को हिला के उतारे हम। इतने बड़े कान हो जाए, लोग बोले कान है टैक्सी के दरवाजे। बस अब ज्यादा दे लो अफजारी तालियां लाला के लिए, सलमान नौमान के लिए, और अपना क्या नाम है यार, तुम इधर बैठ के जरा इसका लाला का भी और उसका फेम ले लो, ताकि मेरा जो चैनल है।